तो फाइनली वो वेट करने के बाद गाड़ी आ चुकी है, तो हम चलते हैं लेजेट। तो यहाँ आप देख सकते हो बहुत सारे लोग आए हुए हैं इंडिया गेट घूमने के लिए। तो अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर सामने इंडिया गेट है और यहाँ से ये अंडरपास बना रखा है रोड क्रॉस करने के लिए। तो अब हम आगे जाएंगे, रोड क्रॉस करेंगे। तो यहाँ से रोड क्रॉस नहीं करने दे रहे और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से अंडर पास होगा। यहाँ से अंडर पास है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मतलब कि पूरा मैप बनाया हुआ है इंडिया गेट का और मतलब सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कब बना था और इसका मैप है और कैसे कैसे बनाया गया, ये सब आप देख सकते हो यहाँ पर। इस तरीके से ये सब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिखा रखी है आपको। जब भी आएँ तो आप एक बार इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं सारी। और चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर, काफ़ी मतलब कि डिस्टेंस है अंडर पास का मतलब कि रोड क्रॉस करने के लिए। तो जैसे ही हम अंडर पास क्रॉस किया और वैसे ही हम जैसे ही बाहर निकले तो हमने सामने देखा इंडिया गेट। जी हाँ, तो सामने इंडिया गेट था। और चलते हैं आगे की ओर और मैं आपको करीब से दिखाता हूँ इंडिया गेट। जी हाँ, काफ़ी पब्लिक आई हुई है यहाँ पर और वो सामने इंडिया गेट। चलते हैं इंडिया गेट के पास। जी हाँ, यही है अंडर पास, यहीं से। अगर आप इंडिया गेट मेट्रो से आ रहे हो तो नियर बाय मेट्रो स्टेशन आपके लिए खान मार्केट पड़ेगा और वहाँ से 2.3 किलोमीटर का यानी कि 6 मिनट का रास्ता है। आप थिलीवर या ऑटो करके, आप ऑटो या कैब करके आप आ सकते हो इंडिया गेट। और मैं इंडिया गेट अगर आप घूमना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि रात के टाइम ही आए इंडिया गेट, क्योंकि रात के टाइम जो व्यू आपको देखने को मिलेगा वो मतलब अलग होगा। दिन से, दिन वाले व्यू से और रात वाले व्यू में बहुत फ़र्क है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ आप देख सकते हो बहुत सारी पब्लिक आई हुई है, बहुत सारा मतलब कि सब। यहाँ पर आप अपने अकेले आ सकते हो, फैमिली के साथ आ सकते हो, मतलब फुल। और बच्चों को इंडिया गेट पे जो लोग शहीद हुए थे उनके नाम भी लिखे हुए हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये आप देख रहे हो यहाँ पर, पर मेरे यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत मस्ती कर रहा हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी पब्लिक आई हुई है और सब अपनी सेल्फी ले रहे हैं और सब इंजॉय कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है और लाइटिंग्स एक के बाद एक चेंज होती जा रही है। हेलो फ्रेंड, तो आप यहाँ पर फ़ोटो खिंचा सकते हो, बहुत ही अच्छा प्यारा व्यू आ रहा है मेरे पीछे, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो बहुत ही प्यारी लाइटिंग हो रखी है और बहुत ही प्यारा सा व्यू है, ऐसी फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो। और यहाँ पर आपको कैमरे वाले भी मिल जाएंगे और बाकी आप अपने फ़ोन में भी क्लिक कर सकते हो। क्या चीज़ है क्या, एक बार और कर दो। अरे वाह, मज़ा आ गया, थैंक यू भैया।
तो यहाँ पर लाइटिंग वाले चश्मे बिक रहे थे, और लाइटिंग वाले चश्मे मैंने ट्राई किया, एक रेड कलर और एक ब्लू कलर, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर मैं सेल्फी लेते हुए गोल्डन मैन के साथ। तो यहाँ पर आप सामने देख रहे हो छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, भल्ले पापड़ी, गोलगप्पे, ये मसूर भील, और इस तरीके की वहाँ आइसक्रीम वाले भैया खड़े हुए हैं। और इस तरीके से आपको छोटी छोटी दुकानें मिल जाएगी खाने पीने की। और ये आइसक्रीम उधर भी है काफ़ी, मतलब आगे भी दुकान लगी हुई है छोटी छोटी। ये इधर से रेडियाँ लगी हुई हैं पानी के लिए, ये आप देख रहे हो। और यहाँ पर ऑटो की सुविधा भी मिल जाएगी आपको। और ये यहाँ पर गोला बनाते हुए भैया आप देख रहे हो, यहाँ पर गोला बन रहा है, और काफ़ी अच्छा गोला बनाया था भैया ने। मिलते हैं नए ब्लॉग में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पैसा कमाते रहिए।